आपके खूबसूरत शब्द किसी को जीवन दान दे सकते हैं। लंदन में ऑपरेशन से 2 घंटे पहले मरीज के कमरे में एक नर्स आई और वहां कमरे में रखे फूलों के गुलदस्ते को संवारते हुए मरीज से पूछने लगी, सर कौन सा डॉक्टर आपको ऑपरेशन कर रहा है? मरीज दर्द की हालत में नर्स को देख के बगैर ही कहने लगा, डॉक्टर जिप्सन। नर्स ने आश्चर्यचकित होकर, सर क्या सच में डॉक्टर जिप्सन ही आपका ऑपरेशन कर रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नर्स के प्रश्न से मरीज घबरा गया और कहने लगा, ये वही डॉक्टर कर रहे हैं। क्यों? आप इतना आश्चर्यचकित क्यों हैं? क्या कोई समस्या है? नर्स ने कहा, आप घबराइए नहीं, कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह तो खुशी की बात है कि डॉक्टर जिप्सन जैसे बड़े डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहे हैं। आज तक डॉक्टर जिप्सन का कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। जिस मरीज को डॉक्टर का हाथ लग गया, वह मरीज 100% ठीक होकर ही घर गया। डॉक्टर जिप्सन का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ। नर्स की बात सुनकर मरीज में एक अलग सी ऊर्जा जाग उठी। वह अपने दर्द को भूल गया और उसमें सकारात्मक विचार जाग गए। मरीज ने कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर जिप्सन कर रहे हैं। पहले मुझे लग रहा था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। नर्स ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, सच कह रही हूँ सर, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि आपका ऑपरेशन महान डॉक्टर जिप्सन कर रहे हैं। अब आप बेफिक्र हो जाइए। थोड़ी देर बाद मरीज का ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मरीज का ऑपरेशन सफल रहा और मरीज तंदुरुस्त होकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। एक बात जो बताने वाली है वह यह है कि मरीज के कमरे में आने वाली वह औरत कोई नर्स नहीं थी, बल्कि उसी अस्पताल की बड़ी मनोचिकित्सक महिला डॉक्टर थी, जिसका काम मरीजों को ऑपरेशन के लिए मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर कुछ इस तरह से तैयार और व्यवस्थित करना था कि मरीज को शक भी ना हो। और इस बार भी लेडी डॉक्टर ने अपना काम बखूबी कर दिया था और मरीज के दिलो दिमाग में बड़ी खूबसूरती से बिठा दिया था कि जो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा वो दुनिया का सबसे मशहूर और सफल डॉक्टर है, जिसका हर ऑपरेशन सफल होता है। और इन सब बातों से रोगी स्वयं ही सकारात्मक रूप से सुधार की ओर लौट आया। आपको किसी को भी आशा और अच्छी भावना देने और सकारात्मक सोच जगाने के लिए मनोवैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। आराम और आशावाद के 2 शब्द एक उदास व्यक्ति को एक जादुई प्रभाव और ऊर्जा देते हैं, जो कि किसी दवा में नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छे शब्द बोलें, दूसरों को नई उम्मीद दें। हो सकता है कि आपके कुछ खूबसूरत शब्द किसी को फिर से जिंदा कर दें। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।